हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा थर्ड पेपर है यानी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग विद्यालय और समाज, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट फर्स्ट चला है। यूनिट फर्स्ट के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सोशलाइजेशन यानी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन या इंडियन सोसाइटी, इसके बारे में क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें कि आपके सिलेबस में पहला दिया गया है विद्यालय। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिवार के बारे में, यानी कि विद्यालय परिवार हो गया, हॉबी क्लब हो गया एंड एक्टिविटी कम्युनिटी एक्टिविटी सेंटर जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। इसके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि ये सब जो चीज़ें जो दी गई हैं, ये सब एजेंसियां हैं, ये किस प्रकार से हमारे यानी मनुष्य के सोशलाइजेशन होने में यानी समाजीकरण होने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है हमारा विद्यालय। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कह क्या रहा है, विद्यालय क्या है, यानी समाजीकरण में विद्यालय किस प्रकार से हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय जो कि समाज का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, जहाँ पर एक बच्चा जो अपने पारिवारिक पर्यावरण से उठकर एक दूसरे माहौल में जाता है, जो कि इसीलिए इसको सबसे फर्स्ट पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन रोल निभाता है किसी भी बच्चे या मनुष्य के सोशलाइजेशन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि विद्यालय को अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। पश्चात दृष्टि से देखिए, पश्चात दृष्टि से क्या है कि स्कूल शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मेनली हम पढ़ते जानते क्या है कि स्कूल स्कूल, लेकिन जो उसकी मूल उत्पत्ति हुई है वो यूनानी, यानी कि यूनानी भाषा के स्कोला या स्कोले शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। इसका क्या मतलब है? क्या विद्यालय का मतलब होता है अवकाश? नहीं, होता क्या था कि पुराने जो प्राचीन जो यूनान जो देश है, वहाँ क्या होता था कि जो बच्चे थे वो छुट्टियों के समय में या गर्मियों के समय में एक जगह एकत्रित होते थे, इकट्ठा होते थे, तो वहाँ पर वो लोग खेलते कूदते थे, कुछ अपने आपस में बातचीत करते रहते थे, दर्शन की बातें, नैतिकता की बातें, यानी इन सब बातों को ही वो लोग एक जगह इकट्ठा होकर करते थे। भाई विभिन्न विद्यालय, विभिन्न जगहों के, विभिन्न घरों के बच्चे एक जगह इकट्ठे होते थे और ये सब बातें करते रहते थे, और वहाँ पर कुछ बड़े बुजुर्ग भी आकर कुछ उनको अच्छी अच्छी बातें बताते थे। वो उनका एक प्रतिदिन का रूल हो गया था। तो यही है कि हमारा जो यूनानी भाषा है, यूनानी भाषा स्कोला से हमारे स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये तो हो गई हमारी पश्चात दृष्टि से इसका अर्थ, किसका? स्कूल का। और हमारे भारतीय दृष्टिकोण से क्या है स्कूल का? कह रहा है कि विद्यालय, विद्यालय शब्द की उत्पत्ति दो शब्द से हुई है। कौन कौन से? विद्या धन आलय, जिसका अर्थ है जहाँ पर विद्या प्राप्त होता हो। ठीक है, आजकल शायद इस संसार में कोई ऐसा देश होगा जहाँ पर विद्यालय नहीं होगी, इसका मतलब विद्यालय स्कूल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि विद्यालय जो है वो समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अभिन्न अंग है। ठीक, अब वास्तविक अर्थ में देखते हैं कि क्या है विद्यालय का अर्थ। वास्तविक अर्थ में विद्यालय का तात्पर्य यह है कि उस स्थान, साधन या संस्था से है जहाँ पर देश तथा समाज की प्रत्येक पीढ़ी को उनकी क्षमता, ध्यान दीजिएगा, उनकी क्षमता एवं बुद्धि के अनुरूप कौशल, धर्म, नैतिकता एवं दर्शन आदि को जीवन में प्रयोग करने का ज्ञान कराया जाता है। कहने का मतलब यह है कि विद्यालय एक ऐसा जगह, संस्था है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रत्येक समाज या देश के प्रत्येक छोटे बच्चे को या फिर नौजवान को, आदमी को, इंसान को, प्रत्येक पीढ़ी को उनकी क्षमता और बुद्धि के अनुरूप कौशल, धर्म, नैतिकता या फिर विज्ञान, दर्शन आदि को जीवन में किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, इसका ज्ञान कराया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप घर पर हैं, अगर घर पर ही रहेंगे, विद्यालय नहीं जाएंगे, तो शायद ही आपको आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा के बारे में पता चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि विद्यालय वो जगह है जहाँ पर जो आदमी है अपनी क्षमता और बुद्धि के अनुरूप जो भी उनमें स्किल होती है उनको वो अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा वो देश और समाज की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। तो यही कहना है हमारे वास्तविक अर्थ में विद्यालय का तात्पर्य उस स्थान, साधन या संस्था से है जहाँ देश तथा समाज के प्रत्येक पीढ़ी को उनकी क्षमता और बुद्धि के अनुरूप कौशल, धर्म, नैतिकता, दर्शन आदि को जीवन में प्रयोग करने का ज्ञान कराया जाता है। ठीक, ये रहा हमारा अर्थ।
अब देखते हैं कुछ परिभाषाएं जो विद्वानों ने दिया था उसके बारे में। सबसे पहले है जॉन डीवी। जॉन डीवी के बारे में, जॉन डीवी ने कहा कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट, देखिए बोला कि एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुणों एवं विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य की जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। फिर समझते क्या कर रहे हैं कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट पर्यावरण है, भाई एक विशिष्ट है, ठीक है, पर्यावरण एनवायरमेंट है जहां जीवन के कुछ गुणों एवं विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से की जाती है कि बच्चे या बालक का विकास वांछित दिशा में हो। ठीक, उम्मीद है कि इस बात को समझ में आए गए होगी कि एक विद्यालय में क्या होता है, एक पार्टिकुलर सिलेबस और एक कुछ गुण को ही उसमें से मतलब लिया जाता है, उनका एक एम बनाया जाता है जिससे बालक का विकास एक अच्छी दिशा में हो। ऐसा ना हो कि बालक में कुछ दूसरी खूबी हो और उसको कहीं दूसरी दिशा में ले जाया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इंटरेस्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट में होता है लेकिन आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट में भेजाता है, लेकिन विद्यालय आजकल की जो हमारी NEP है, नई शिक्षा नीति है, इसके द्वारा बालक जिस क्षेत्र में अपनी रुचि अपना इंटरेस्ट रखता है उस क्षेत्र में आराम से जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो विद्यालय है वो बहुत अच्छी तरीके से भूमिका निभाता है। अगला है हमारे ओटावे साहब। ओटावे साहब क्या कर रहे हैं, यानी इनका पूरा नाम है AK ओटावे, के अनुसार विद्यालय को एक ऐसा सामाजिक आविष्कार समझना चाहिए जो कि समाज के बालकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षण प्रदान करने के लिए हो। एक विशेष प्रकार के शिक्षण प्रदान करने के लिए हमारे विद्यालय को एक सामाजिक आविष्कार समझना चाहिए। ठीक है, ये रहा हमारे विद्यालय के बारे में अर्थ और परिभाषा। इसके बाद हम लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम देखते हैं कि क्या है उसके नीड और इम्पोर्टेंस, यानी महत्व और आवश्यकताएँ क्या है, जिसके द्वारा हम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि किस प्रकार से विद्यालय जो है वह हमारे समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। हम देखते हैं कि विद्यालय की आवश्यकता और महत्व क्या क्या है, यानी इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ स्कूल। उससे पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा वीडियो लाने में कुछ देरी हो रही है क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। ये आप में भी थोड़ी एक कमी है, क्यों? क्योंकि अगर आप हमको लगातार कमेंट करते रहेंगे तो इससे हमें इस बात का एहसास होता रहेगा कि नहीं, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो का। नहीं तो फिर जब विद्यालय की डेट नज़दीक आएगी तो हम तो जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे लेकिन आप पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ देंगे कि अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें, अच्छा बुरा जो भी आपको जैसा लगता है कमेंट करके बताएँ और बाकी लोग को भी अवगत करा दें कि यहाँ पर BEd फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षाएं चलती हैं और यहाँ पर आप BEd के अन्य सेमेस्टर की भी कक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके दोस्त मित्र किसी दूसरे सेमेस्टर में हैं तो। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पाते हैं। लिखा है कि विद्यालय की आवश्यकता और महत्व, जिसमें हमारा पहला है कि विद्यालय बहुमुखी प्रतिभा के लिए उत्तम स्थान है। इसका मतलब क्या है कि विद्यालय क्यों जरूरी है हमारे समाजीकरण के लिए, हमारे समाज के लिए? ये क्या है, विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी बच्चा अपना बहुमुखी प्रदर्शन कर सकता है और ये एक बहुमुखी प्रतिभा के लिए स्थान है। अगर आप सिर्फ घर तक ही रहेंगे आपकी क्षमता घर तक ही रह जाएगी। स्कूल में जाते हैं, विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ तमाम किस्म की चीज़ें मिलती हैं, कई प्रकार की फैसिलिटी मिलती है जिससे क्या करता है बच्चा अपनी बहुमुखी प्रतिभा का अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकता है। ठीक, दूसरा हमारा क्या है कि पारिवारिक जीवन एवं बाह्य जीवन को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका मतलब ये है कि ये जो है वह पारिवारिक जीवन और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बच्चा क्या है, सबसे पहले एक अपने जो एक पारिवारिक जो वातावरण है जिसमें वो बहुत ही लाड़ प्यार से पाला गया, लालन पोषण हुआ है, उसके बाद जब निकलता है बाहर तो सबसे पहले विद्यालय में जाता है जो उसको बाहरी जीवन से जोड़ने की एक कड़ी बन जाती है। वहाँ जाकर बच्चा सामाजिकता के गुण सीखता है और तरह तरह की और सारी बातें सीखता है, देश विदेश के बारे में जानता है जिससे वह समाज और देश के बारे में अपने और अपने परिवार से उठकर बातें सोचने के लिए वो प्रेरित होता है। ठीक, तो इसलिए हमारे विद्यालय की आवश्यकता है कि वह पारिवारिक जीवन और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली एक कड़ी का काम करता है। ठीक है, अगला हमारा है कि व्यक्तित्व का सामंजस्य। इस सामंजस्य को हम व्यवस्थित पूर्ण भी कर सकते हैं कि व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित विकास। कहने का मतलब क्या है कि
जो विद्यालय होता है, विद्यालय का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित अवधि होती है, उसी के अंतर्गत सारे काम जो होते हैं एक सिस्टमेटिक वे से होते रहते हैं। इसीलिए जो भी डेवलपमेंट होता है वो एक लीनियर मॉडल में चलता है, एक आराम से एक स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है, जिससे व्यक्तित्व का व्यवस्थित विकास होता है। इसलिए हमारा विद्यालय का महत्व बढ़ जाता है और इसलिए हमारे समाज के लिए विद्यालय की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला हमारा है कि शिक्षित नागरिकों का निर्माण। शिक्षित नागरिकों के निर्माण के लिए विद्यालय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नागरिक शिक्षित है तो वो अच्छा बुरा जो भी होता है वो उसको अच्छी तरीके से समझ सकता है। एक शिक्षित नागरिक और एक अशिक्षित नागरिक में यही अंतर होता है कि अगर उसको कुछ ऐसी बातें बताई जाए, अगर से देश समाज की और देश दुनिया की ऐसी बातें बताई जाए जो उसके पल्ले नहीं पड़ता हो, तो वो उसके बारे में कुछ नहीं समझेगा, हाँ बल्कि सुनी सुनाई बातों पर वो विश्वास करता रहेगा। इसलिए समाज के लिए शिक्षित नागरिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपना खुद का दिमाग अपने खुद से रिसर्च करके भी समझ सकते हैं कि क्या गलत क्या सही है। ठीक है, इसलिए हमारे शिक्षित समाज के लिए, शिक्षित नागरिकों का निर्माण के लिए आवश्यकता है विद्यालय की। अगला हमारा आखिरी पॉइंट है कि समाज की निरंतरता बनाए रखने में सहायक है। समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए भी विद्यालय की आवश्यकता है। स्कूल में जाकर बच्चा नैतिकता के पाठ सीखता है और विद्यालय में वही चीज़ें सिखाई जाती है जो समाज और देश के लिए लाभकारी हो। ऐसा नहीं होगा कि विद्यालय में बम बना सिखाया जाता हो, ठीक, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये समाज के विपरीत है, देश के विपरीत है। तो इसलिए बोलता है, ये कह रहा है, हमारा पॉइंट है कि समाज की निरंतरता बनाए रखने में सहायक है। ठीक, तो ये रही हमारी विद्यालय की आवश्यकता और महत्व विद्यालय के बारे में, यानी हमारे एजेंसी जो अब सोशलाइजेशन है इसमें पहला था हमारा विद्यालय। अब उसके बाद हम आते हैं हमारा परिवार यानी फैमिली। तो देखते हैं कि फैमिली क्या है। तो परिवार एक ऐसी संस्था है जो सर्वत्र समाज में पाया जाता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक संस्था भी माना गया है। सार्वभौमिक संस्था का मतलब जो हर एक जगह उपस्थित हो। भाई सही बात है, परिवार तो हर जगह उपस्थित है ना। आप चाहे इंग्लैंड में रहते हो, चाहे ब्रिटेन में रहते हो, सॉरी ब्रिटेन तो इंग्लैंड एक ही हो गया, चाहे इंग्लैंड में रहते हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, भारत में रहते हो, चाहे जापान में रहते हो, हर जगह परिवार पाया जाता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक संस्था माना गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि विद्वानों ने क्या कहा है परिवार के बारे में। किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें संगोत्रता, इसका मतलब होता है कॉन्सिग्निटी के संबंध होते हैं, जो एक दूसरे के संबंधी होते हैं। यानी कि इसमें परिवार एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें संगोत्रता यानी एक ही खून या एक ही गोत्र होता है के संबंध होते हैं, जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हाँ ये सही बात है, सब तो अपने ही होते हैं ना, बोलते ना कि यार मेरा खून है, इसका मतलब क्या है कि वो एक होते हैं। ठीक, ये इसे क्या बोलते हैं, हम परिवार बोलते हैं। ये किसके अनुसार है, हमारे किंग्सले डेविस के अनुसार। अगला है आगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार। आगबर्न और निमकॉफ ने कहा है कि परिवार स्त्री तथा पुरुषों की बच्चों सहित, देखिए इसको थोड़ा सा टफ है, बच्चों सहित ये हो गया, परिवार क्या है स्त्री या पुरुषों के बच्चों सहित हो गया, या बच्चों रहित, या तो बच्चे रह हो सकते हैं, भाई न्यूली कपल है तो बच्चे नहीं रहेंगे और कुछ दिन बाद है, चार साल शादी के, चार साल पाँच साल, तो बच्चे सहित तो क्या है परिवार वो भी कहे जाएंगे, अथवा मात्र बच्चों सहित पिता, या फिर अगर सिंगल पेरेंट है या फिर सिर्फ पिता है, बच्चों सहित पिता हो गए, अथवा मात्र बच्चों सहित स्त्री यानी सिंगल मदर है, यानी क्या पता इसमें पत्नी गुजर गई है, मतलब का देहावसान हो गया है, यहाँ पर पति की मृत्यु हो गई है, ठीक है, कि एक कम या अथवा अधिक अस्थायी समिति है। ठीक, ये किसने कहा है, आगबर्न या निमकॉफ के अनुसार। इनका कहने का मतलब ये है कि ये परिवार किस किस प्रकार के हो सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया है, या तो बच्चे सहित होंगे या तो बच्चे रहित होंगे, या तो स्त्री बच्चे सहित रहेगी या तो पुरुष बच्चे सहित होंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं परिवार। यह परिवार एक ऐसी संस्था है जो सर्वत्र समाज में पाई जाती है, इसलिए इसे सार्वभौमिक संस्था कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसके आगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए कि परिवार जो है वो किस प्रकार से सोशलाइजेशन में यानी समाजीकरण में हमारे लिए आवश्यकता है। हम देखते हैं कि समाजीकरण में परिवार की भूमिका किस प्रकार से है। ठीक है, तो पहला हमारा है कि समान शिक्षा की व्यवस्था। समान शिक्षा की व्यवस्था यानी सोशलाइजेशन में जो परिवार की भूमिका है इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें
कि समान शिक्षा की भूमिका, यानी कि परिवार में ही समान शिक्षा की का महत्व अगर बताया गया रहेगा तो ये समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। कैसे कैसे होता ये है कि बहुत सारे ऐसे आज भी परिवार हैं जिसमें बच्चों यानी लड़कों को तो पढ़ाया जाता है लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, या फिर पढ़ाया जाता है तो एक निश्चित उम्र तक ही पढ़ाया जाता है, उसके बाद उनकी शादी करके उनको भेज देता है उनके ससुराल पर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या कि समान शिक्षा की व्यवस्था भाई समाज में तो समान शिक्षा की इसमें बात चल रही है, तो परिवार सबसे पहले परिवार को स्टेप लेना पड़ेगा कि वो समान शिक्षा का व्यवस्था करे, लड़के और लड़कियों में कोई फर्क ना करे। ठीक है, इसको अगर पढ़ा रहे हैं, अगर ग्रेजुएशन करा रहे हैं, पीजी करा रहे हैं, तो आप परिवार में चाहिए कि लड़की को भी ग्रेजुएशन पीजी कराए ताकि वो आगे आने वाले अपने राह खुद चुन सकें। ठीक है, तो ये रही हमारी बात, पहला पॉइंट। दूसरा है कि समानता का व्यवहार। समानता का व्यवहार इसलिए हमारे समाजीकरण यानी समुदाय और सोशलाइजेशन के लिए ज़रूरी है क्योंकि परिवार से ही पता चलता है कि ये किस तरीके से या किस बैकग्राउंड से आते हैं। कहने का मतलब ये है कि परिवार में ही सबसे पहले भेदभाव सिखाया जाता है। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें लड़के और लड़कियों से बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि लड़के को तो हमेशा पलकों पर बिठा कर रखता है लेकिन लड़कियों के उतनी ही बेइज्जती या फिर क्या उसका बोलते हैं वो बुरी तरीके से रखते हैं। ठीक है, आप इसको समानता के व्यवहार के तहत रख सकते हैं कि लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। इससे क्या होगा, ये समाजीकरण के लिए और समाज के लिए अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई लड़का तो जाएगा सामने देखेगा तो वो बोलेगा कि लड़की है उसको तो ये, मतलब जो एक मानसिकता उनकी बन जाएगी वो समाज के लिए हानिकारक है, इसलिए परिवार की भूमिका और बढ़कर सामने आ जाती है। तीसरा हमारा है कि उच्च चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण। परिवार ही सबसे बड़ा एक मेन फैक्टर है जिसके द्वारा किसी भी इंसान का चरित्र का निर्माण होता है। अगर आप परिवार या समाज में कुछ घटनाएं कर देते हैं गलती से भी, तो लोग बोलते हैं कि इसका घर ही ऐसा होगा इसलिए ऐसा काम कर रहा है। कुछ अनुचित घटनाएं क्रियाएं हो जाती हैं जाने अनजाने में, या फिर कोई भी अगर इंसान हो, अगर कोई चोरी कर रहा है या फिर कुछ ऐसा काम कर रहा है जो समाज के बिल्कुल खिलाफ हो, तो लोग बोलते हैं कि इसका परिवार भी ऐसा होगा। कहने का मतलब यह है कि परिवार की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये उच्च चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे ज़्यादा सहायक है। ठीक है, सोच समझ में आया होगा इस बात को। अगला है कि हमारा अंधविश्वास एवं जड़ परंपराओं का बहिष्कार। परिवार में ही अगर हम अंधविश्वासों को महत्व देंगे और जड़ जो परंपराएं जो पहले से चली आ रही हैं, तो समाज उससे कैसे बाहर निकलेगा। यानी परिवार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो पहले के हिसाब से जो चला आ रहा है कि भाई लड़के ही घर संभालेंगे, लड़के ही अपना वंश बढ़ाएंगे, लड़के ही मतलब जो भी काम करेंगे सब लड़के करेंगे, तो एक जेंडर बायसनेस बना हुआ है, अंधविश्वास है, जड़ जो व्यक्तित्व का जड़ परंपराएं बनी हुई हैं इसको परिवार ही समाप्त कर सकता है। हाँ, आजकल अब धीरे धीरे मॉडर्न युग हो रहा है इसलिए ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो बोला जाता है कि भाई हिस्सा में सिर्फ लड़कों को मिला जाएगा, लड़कियों के लिए कोई हिस्सा नहीं रहता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे परिवार आगे बढ़कर आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि मेरे लिए मेरी बेटियाँ काफ़ी है, लड़के बाहर में जाए। ठीक, तो यही है, इसलिए हमारा परिवार बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगला है कि साथ साथ रहने और कार्य करने की प्रवृत्ति। इसका मतलब ये है कि परिवार में सिखाया जाता है कि सब लोग साथ साथ रहते हैं और एक साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं। ठीक है, इससे समाज के लिए क्या फ़ायदा है? समाज के लिए इसलिए फ़ायदा है क्योंकि अगर आप परिवार में साथ साथ काम किए रहेंगे तो इससे आपको अगर समाज में कोई अगर काम करना है तो आप भी मिलजुल काम करेंगे और समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे। ठीक, इसलिए हमारे परिवार की भूमिका निभर कर आती है कि साथ साथ रहने और कार्य करने के प्रवृत्ति का विकास परिवार में ही होता है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्युनिटी सेंटर और हॉबी क्लब के बारे में कि वो किस तरीके से समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।